सरकार बेहद गंभीर है बजट घोषणाओं को लेकर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में उनको धरातल पर उतारना, किस तरह आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं आज बैठक में, क्या रहा? देखिए मीटिंग बहुत अच्छी रही। सबसे अच्छी बात यह कि सभी सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज सब ने जो है पूरी तैयारी के साथ आए थे। जो कैटेगरी ए बी सी बनाई गई है उनको हमने कहा प्रायोरिटी रखो, जो जरूरी जो काम है उनको प्रायोरिटी पे रखो। तो तमाम लोग बहुत तैयारी के साथ आए थे। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि पिछला बजट भी जो है करीब 95% पार कर गया। बहुत बड़े संकेत हैं कि बजट इस प्रकार घोषणा होने की बात है, तो बजट घोषणा होने के बाद में लागू होना बहुत कठिन काम भी होता है, वो काम भी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस बजट में भी लोगों में उत्साह है और अच्छा पब्लिक में उत्साह है। अभी जो मुझे मिले भीड़ के अंदर लोग, वो तमाम लोग बजट की तारीफ कर रहे हैं। इसके मायने कि बजट को लेके भी लोगों के अंदर पहली बार जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले हमने प्रचार कर दिया तो लोगों ने बजट को सुना। पहले सुनने का बहुत कम लोगों रिवाज था, इस बार जब बजट सुना है तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आ गई हमारे लिए क्या क्या घोषणा हुई है। तो वहीं से वो शुरू करते हैं, अच्छी घोषणा हुई है, हमें अच्छा लगा। जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी, जोधपुर में गया हूँ या सिरोही गया या उदयपुर गया, जहाँ जाते हैं तो पहली बात तो लोग वहाँ ये कहते हैं सब बजट बहुत अच्छा आया है, किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, छात्रों के लिए भी, सबके लिए अच्छा बजट आया। नौकरी लग रही लोगों को, 3.5 लाख से ज़्यादा नौकरी लग रही है। हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतनी नौकरी नहीं लग रही है। और पेपर लीक होते हैं कई बार, अभी अरुणाचल प्रदेश में हो गया कल परसों, उत्तराखंड में लाठीचार हुआ है वहाँ भी आउट हो गया, मध्य प्रदेश में हुआ है, गुजरात में हुआ है, सब राज्यों में हो रहे पेपर आउट। एक राष्ट्रीय बीमारी बन गई, राष्ट्रीय स्तर पर बीमारी पड़ गई। हमने तो यहाँ लोगों को जेल में डाल दिया, कानून पास कर दिया है, मकान ध्वस्त कर दिए हैं, काफ़ी कुछ किया है, आगे भी छोड़ेंगे नहीं। हम नवाचार भी कर रहे हैं, अच्छा रास्ता क्या निकला जिससे कि बीमारी, जब इतनी बड़ी नौकरी लगा रहे हैं तो ये बीमारी जो आई है पेपर लीक की, बड़े बड़े माफिया इसमें रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उन तक जाएंगे, पहुँचेंगे और जेल के शिकंजों बंद करवाएंगे। सर एक हरदीप ने कहा है कि राज्य की हिस्सेदारी हमारी बकाया 2500 करोड़ नहीं चुका है तो हम 26 से 16% कर देंगे रिफाइनरी। कल उन्होंने बयान दिया है वहाँ पर विजिट करके, हिस्सेदारी हम 26 से रिफाइनरी वाला मामला राज्य की हिस्सेदारी। ये जब चुनाव आ रहे हैं ना तब वो बोलने के लिए आगे आए होंगे। ये पूछो आपने 5 साल डिले क्यों किया, 5 साल डिले किया तो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो 70,000 करोड़ का हो गया है। उनमें अगर साहस है तो पहले वो डिक्लेयर खुद करे ऑफिशियली, अब ये प्रोजेक्ट जो है पहले 40,000 क्या उससे 39,000 था मिल गया थे, वो प्रोजेक्ट अब हमारी गलतियों से जो बीजेपी ने डिले किया इसको, उसके कारण से अभी 70,000 करोड़ खर्च होंगे और वो ऐसा ही मांग रहे होंगे, इतनी बात करें। वो गलती किसकी है, उसके बावजूद भी कंपनी बनी हुई है, कंपनी बनी हुई, मैं बात करूंगा कंपनी वालों से कि क्या उनकी अप्रोच है। मुझे अभी अचानक आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे मालूम नहीं है, मैं मालूम कर लूँगा। तो रिफाइनरी तो बंद के रहेगी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में हजारों नौजवानों को लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी। पर सरकार ने बदलने के नुकसान देख लीजिए, जो आप खुद कह रहे हो कि वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं, अगर सरकार नहीं बदलती तो अभी तो रिफाइनरी पूरी हो जाती, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाता, प्लास्टिक आधारित उत्पादन शुरू हो जाता, कितनी लाखों हजारों लोगों को फायदा मिलता। तो सरकार बदलने का नुकसान ही होता है और ये लोग सरकार बदलते ही काम बंद कर देते हैं। हमने इनका ERC भी बंद नहीं कर रहे हैं, वसुंधरा राजे के वक्त में जो काम शुरू हुआ है हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं, कोई काम हो किसी क्षेत्र में, ये हमारी अप्रोच है, इनकी अप्रोच उल्टी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस बार जनता को चाहिए सरकार वहाँ पर रिपीट करे, जिससे कि जो योजना में लेके आया हूँ इस बार वो योजना और मजबूत हो सके आगे आने वाले वक्त के अंदर।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब जो हमारी योजना आई है उसका आधार बनाया कि ही हर पॉलिटिकल पार्टी, आप देखना हर राज्य के अंदर अपने जो मैनिफेस्टो बनाएगी उसमें हमारी योजना जो है उसको वो अंदर डालेगी उसके अंदर, ये मैं कह सकता हूँ। आपने कल की सभा में ये भी कहा कि आप के हटने का मतलब है कि चिरंजीवी योजना का जाना, ओपीएस को नुकसान होना, क्या ये चीजें जनता को अपील कर रही? ये तो आप लोग अपील करवाओ जनता को, मुझे क्यों कह रहे हो? मेरा हटना नहीं मैंने कहा है, हमारी सरकार का मैंने कहा है। व्यक्ति कुछ व्यक्ति तो बदलते रहते हैं, मेरी सरकार बोले कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार अगर रिपीट होगी योजनाएं मजबूत होगी, ये मैं कह सकता हूँ। और जनता को मेरे मर्म को समझना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी भावनाओं को जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाए लोग, आप लोग मीडिया वाले पहुँचाओ, ये मेरा मानना है। सरकार मुझे लानी इस बार, सुन लीजिए आप, मैं चाहता हूँ कि प्रथम सेवक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, इतनी शानदार योजना तो इतिहास में कभी नहीं आई होगी। अब गाय मर गई है, बारह सरकार पहचान दीजिए, हम कहते हम देंगे 40,000 रुपये प्रति गाय जो लंबी मर गई है, आगे बीमा कर दिया दुधारू पशुओं का, दुधारू पशुओं के लिए 40,000 रुपये बीमा कर दिया प्रति गाय, दो गायों तक, ऐसी सोच कहीं है देश के राज्यों में? इस कदर हम लोग स्वास्थ्य के लिए भी, कोचिंग के लिए भी, बिजली के हमने 100 यूनिट खत्म कर दिए, माफ़ कर दिए हैं, 0 बिल आएगा 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोगों को आएगा, 2,000 यूनिट कम कर दी, लगभग 15 हॉर्स पावर की मशीन, 15 हॉर्स पावर का जो पंप लगेगा लगभग, उसका माफ होगा बिल, कम बात है क्या? एक से बढ़ के एक योजना है, 25 लाख का बीमा दुनिया में कहीं है क्या फ्री? डेमोक्रेसी की अंदर यही खासियत है कि आप सरकार आपके लिए क्या करते हैं। अभी महंगाई की मार बहुत भयंकर है, तो महंगाई के हिसाब से हम लोग कैंप लगाना चाहते हैं, कैंप में राहत मिले, प्रश्न गाँव के संग जो बच गए का वो भी हो जाए, जितनी स्कीमें हैं पब्लिक का पैसा यूज भी तो हो। अगर मोबाइल फोन देंगे तो मोबाइल जिसको देंगे उसके काम आवे, गैस सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, अब 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे तो वो जो जिस परिवार को देंगे उसी के काम आवे, तब तो हमारी योजनाओं का लाभ है, और उसको कोई गुमराह करके खरीद ले वो दूसरा आदमी, क्या फ़ायदा? बकायदा हम कैंप लगा के उनसे हम लोग सबसे पत्र लेंगे कि भाई हमारे चाहिए गैस सिलेंडर चाहिए, हमें 100 यूनिट में हम आना चाहते हैं, मैंने बात की अभी, आप इसकी बनाओ जिससे कि हमारी योजनाओं का लाभ जिसके लिए हमने घोषणा करी है उन तक पहुंचे, उसको लाभ मिले। सर इलेक्शन ईयर है, पहले मोदी 2 दौरे काट चुके हैं यहाँ पे, फिर निर्मला सीतारमण आपके ओपीएस पे सवाल खड़ी कर रही है, फिर हरदीप पुरी आ रहे हैं वो रिफाइनरी पे सवाल, तो सीधा अटैक क्या अटैक अशोक? ये चलता रहेगा इनका, इनके पास और कोई काम तो करने को है नहीं, इनके पास चुनाव जीतने का कैसे टिकट में लगा है। अब आप बताओ हैदराबाद में नगर निगम चुनाव में चले गए अमित शाह जी, रोड शो कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं उस जिले के अंदर, रोड शो में तो नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी जी, पिछले नगर निगम चुनाव हैदराबाद हो रहे हैं, गृह मंत्री हिंदुस्तान का और नगर निगम चुनाव के अंदर घूमता फिर रहे हैं, और साथ में रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी उसी जिले में गए और किसी प्रोग्राम जानबूझ के, जिससे कि साइकोलॉजिकल हैदराबाद लोगों को लगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर भी हमें आया कहने के लिए, यहाँ तक ये करते हैं। ये तो सत्ता में आना एक बात है, इनकी नीतियाँ इनके कार्यक्रम के सिद्धांत जो हैं वो देश हित में नहीं है, इसलिए हिंसा हो रही है, तनाव हो रहा है, पत्रकार साहित्यकार लेकर जेल में बैठे हुए हैं, एक पत्रकार केरला का 1.5 साल बाद छुटा, अभी जो जा रहा था कवर करने यूपी के अंदर वो घटना हुई थी जो हाथरस की, बताइए आप क्या हो रहा है? ये तो सोचना पड़ेगा पब्लिक को अल्टीमेटली। टारगेट गहलोत है, टारगेट तो महाराष्ट्र बन गए इनका,
कर्नाटक बन गया, मध्य प्रदेश बन गया और मैं आप सबकी दुआओं से, प्रदेशवासियों की दुआओं से बच गया। यही तो फर्क रहा, वरना अभी तक तो ये पता नहीं क्या करते। तो ये तो इनकी अप्रोच अच्छी नहीं है और जनता सबक भी सिखाएगी। चुनाव आने दो इनको, पहले असेंबली आएगी फिर पार्लियामेंट आएगी। आपने हरियाणा के सीएम से बात की और कल हरियाणा के डीजीपी भी यहाँ पर मीटिंग में थे और उसके बावजूद राजस्थान पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई तो वहाँ पर पुलिस के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। क्या ये कन्फ्रंटेशन है क्या आपस में राज्य के बीच? मैं तो कहूँगा कानून अपना काम करे, तब अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया वापस क्लोज भी जाएगी। हमारे यहाँ कंपनी किया हुआ है एफआईआर को, तो मैं ज़्यादा इन बातों में नहीं पढ़ता हूँ। मुलजिम पकड़े जाने चाहिए, बड़ी घटना मार्मिक घटना है, उस घटना की जितनी निंदा करें उसे कम है। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विष्णु दुबे के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं, असमय तत्व। प्रधानमंत्री खुद ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है, एक बार बोल गए वो चार साल पहले, अगर बार बार बोलते तो अभी नौबत ही नहीं आती। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उनके उनको मालूम पड़े, उनका ग्राह भी नीचे आ रहा, समझ गए लोग। ये वित्त सचिव और वित्त मंत्री जब आए दो दिन पहले तो वो कह के गए कि ओपीएस का पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। अरे वो तो हमने पहले कह दिया ना, हमारे हिस्से का पैसा नहीं देंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैंने पहले कह दिया। और वो जवाब नहीं दिया भाई ओपीएस के बारे में, आपने महसूस किया होगा वो जवाब दिए हैं वो कहना जी गफलत वाले जवाब है, गफलत वाले जवाब है। क्या जवाब दे रही उसको कहना जी था हम ये खिलाफ है, ये कहना चाहिए था। अगर खिलाफ है तो बिना मतलब का कोई तर्क तो है नहीं, जवाब दे रही हैं तो लोग समझ गए उन बातों को। ओपी लागू किया हमने तो लागू करके रहेंगे हम पूरा, इसको लोगों को लाभ मिलने लग गए राजस्थान के अंदर, ये क्यों भूल जाते हैं। आप रायपुर अधिवेशन में जा रहे हैं, क्या तैयारी अधिवेशन की, क्या कुछ ऐतिहासिक रहने वाला है क्या इसमें कांग्रेस फिर से खड़ी करने के लिए? वहाँ जाने दो भैया, आप आ जाओ वहाँ पे, आप तो वही बात कर मिलेंगे। हाँ ये बात इम्पोर्टेंट बात है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को मैं कहना चाहूँगा कि आप जो मुलजिम बने हैं, बाकी लोग जो जेलों बंद है, उन्हीं धाराओं में वही आके आपके आरोप हैं और आप उसी ढंग के मुलजिम हैं, अभियुक्त हैं। आप जो जनता गुमराह कर रहे हैं उसकी बजाय उन गरीबों की तरफ देखो, जो पैसा लूटा गया है गरीबों से, लगभग 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा, 900 करोड़ के फिगर ही आ रहे हैं, 1,00,000 से ज़्यादा लोग हैं जो डूब के बेचारे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं दो बार मिला हूँ उनसे, मैं खुद भावुक हो गया। औरतें आदमी क्या क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग है। और ये पढ़ो, एक केंद्रीय मंत्री है, अगर ईमानदारी होती है इनमें तो ये खुद बुला के बात करते सबसे। हमारी एसओ जी लिख रही है बार बार ईडी को, आप इस केस को ले, क्योंकि ईडी के हाथ में है अधिकार है प्रॉपर्टी को सीज करने का, वो अधिकार एसओजी के पास नहीं है। और बगैर प्रॉपर्टी सीज किए हुए आप इनके पैसा कैसे चुकाओगे, कल वो खुर्द-बुर्द कर देंगे प्रॉपर्टियों को। अविलंब ईडी को केस को लेके प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए, मेरी मांग है। और ये क्या कर रहा केंद्रीय मंत्री है, अगर ये कहते मैं दोषी नहीं हूँ आप मदद क्यों नहीं करते फिर इनकी? अगर आप दोषी नहीं हो तो आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट था, पैसा हमने जमा करवाए वापस विड्रॉ किए। ये इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, इनके साले, पांचों लोग उसके अंदर हैं। माताजी तो भगवान को प्यारी हो गई, ठीक है, ये तमाम कोई 30-40-50 मुलजिम है इसके अंदर, कई लोग जेल में बैठे हुए हैं। तो ये केंद्रीय मंत्री जिम्मेदारी है और प्राइम मिनिस्टर को खुद को चाहिए कि ऐसे मंत्री को मंत्री बना रखा है जिसके ऊपर इतने भयंकर आरोप है, वो जांच कर ले।
केंद्रीय सरकार जांच कर ले जो आरोप लगा रही पब्लिक, हम तो लगा नहीं रहे हैं, ऐसे ही तफ्तीश कर रही है। पर जो इतने महंगे आरोप लगे हैं, लूटे लोगों को 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख 80 लाख, मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे पास जो आए थे 8 महीने 10 महीने पहले, तो मुझे 70 साल 80 साल के लोग थे, किसी का मेरा 8 लाख डूब गए, किसी का 5 लाख डूब गए। मैं उस रकम को बहुत ज़्यादा मानता था और मुझे बहुत दुख हुआ, 8 लाख चले गए, 10 लाख चले गए, 12 लाख चले गए। कल मेरे परसों जोधपुर में था तो जब कहा मेरे 1.5 करोड़ डूब गए मेरे, तो मेरी 3 बेटी शादी नहीं हो पा रही है, औरतें रोने लग गई वहाँ पे। मैंने कहा भाई लाखों का मामला होता तो मैं उद्योगपति बात करता, सरकार कोई कोई तरीका निकालता, मदद करता। अब लाखों करोड़ रुपए हैं, कौन क्या कर सकता है। तो आपको केंद्र सरकार का जो ईडी है जो छापे डाल रहा सब जगह, अब हमारा अधिवेशन हो रहा वहाँ रायपुर में और छापे डाले हैं, इतनी तो शर्म आनी चाहिए थी कि राष्ट्रीय पार्टी का महाधिवेशन है, कुछ तो डेमोक्रेसी में सीमाएं होती है आपस के अंदर, अगर उनका राष्ट्रीय महासचिव महाधिवेशन हो बीजेपी का और वहाँ ऐसी हरकतें कोई करे तो कोई अच्छा लगेगा लोगों को। पूरे देश का कांग्रेस जो है पूरे जनता आक्रोशित है, रायपुर में जो कुछ घटना हुई है छापे डालने की बहुत दुखद है, निंदनीय है, निंदा करना चाहिए इसको। इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और वो ईडी जो तुम नहीं आ रही है, वो ईडी जो बेचारे गरीब बर्बाद हो गए और अधिकार 80% राजपूत है उसके अंदर। मैंने बात की भगवान सिंह रोज सांसद जी से, वो गजेंद्र शेखावत जी के गुरु हैं, उनको मैंने फ़ोन किया परसों, मैंने कहा भगवान सिंह जी आपका शिष्य है वो समझाओ पैसे वापस लौटा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ है उनका, मेरे को पता ध्यान ही नहीं विदेशों के अंदर कहाँ जगह है, आपको मालूम होगा, इथोपिया और भी एक दो जगह है, इथोपिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ का मुझे पता नहीं। ये तमाम बातें क्लियर करनी चाहिए केंद्रीय मंत्री को, क्यों नहीं वो प्राइम मिनिस्टर बात करता ईडी को जांच करवावे, अगर वो खुद ईमानदार है, खुद फंसा हुआ नहीं है तो ये काम करे। तमाम जगह उनका नाम है, पैसे का लेन देन उनके साथ हुआ है, पैसा इकट्ठा हुआ है, वही पैसा वापस सर्कुलेट हुआ है, इतना बड़ा कांड हो गया है, बताइए आप। आधा घोटाला अलग है सीकर वो शुरू वाला, तो वो कह रहे हैं सीबीआई को नहीं दे रही स्टेट गवर्नमेंट, इनके हाथों में दे रही हूँ, वो यही कह रहे हैं सीबीआई जेब के अंदर है, इनको दे दे रहे, इनको को एसओजी की जांच हुई है उस पर जवाब दे रहे, और कहता नहीं भाई मेरे को तो कहीं बुलाने में आ रही हूँ, मैं बुलाने जरूरत ही क्या, सबको मालूम आ जाइए एसओजी के अंदर और कहीं भाई मेरे खिलाफ अगर आरोप है मुझे अरेस्ट कर लीजिए, इतनी हिम्मत दिखाई फिर वो दूसरे मुलजिम जेल जाएंगे, कई जेल गए अभी 10-15 दिन पहले गए 4-5 साल, वो तो एक काम एसओजी का काम है, हम तय करेगा, हम कोई पंचायत नहीं करते, हम तो क्यों, मैं गृह मंत्री हूँ, मुझे जो रिपोर्ट दी गई उन्होंने बताया तो मैं पब्लिक को बता दिया, मैंने ये रिपोर्ट मेरे पास कहाँ से आई है एसओजी की, एसओजी मुझे कहा था ये सब अभियुक्त हैं, इक्वल अभियुक्त हैं। अब ये गजेंद्र सिंह इतना बड़ा पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट के पास में, पहले सरकार हमारे जा रहे थे उसमें ये भी किरदार था, उसमें इसकी वॉइस सैंपल दे नहीं रहा, ये कोर्ट से रिलीफ ले रहा बार बार, आप बताइए तो वॉइस सैंपल जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है कि खुद बोल रहे थे उसके अंदर, तो बताइए सरकार गिराने के अंदर अगर जोधपुर का एक एमपी हमारी सरकार को, मारवाड़ का मुख्यमंत्री और मारवाड़ के लोगों को ये क्या कहते हैं बेइज्जती कर रहा है सजा गिरा करके, वो ये मुलजिम नहीं है हमारा, भी हमारा ही मुलजिम है।